अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. नाउ आई डिलीवर द लेक्चर मेडिकल ऑफ साइंस ग्रेड 7. फर्स्ट यूनिट है हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. नाउ ओपन द पेज नंबर 1. Human organ systems. What is human organ systems? ऐसा system जो कि हमारी body के सारे functions role play कर रहा है और सारे organs जो हैं हमारी body में cells present हैं. Cells मिलकर tissues बनाएंगे, tissues organ बनाएंगे और organ जो हैं वो सारे collectively एक function role play करते हैं. मिलकर जब वो एक function role play करते हैं तो वो organ system हो जाएगा. यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की हम ओवरऑल स्टडी करें अगर, तो इसकी समरी या ओवरव्यू अगर इसका देखा जाए, इसमें हमने जो स्टडी करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और जो उनके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनके, उन सब की हम स्टडी करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये प्रोसेस है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस है. फूड को डाइजेस्ट करवाया जाता है. किस तरह से डाइजेस्ट करवाया जाता है? पहले उसकी सिलेक्शन की जाती है फूड की, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, मैस्टिकेशन की जाती है, फिर बाद में उसको स्टमक में भेजा जाता है और उसके बाद जब सिलेक्शन वगैरह हो जाती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे उनको किल किया जाता है एसिड की वजह से. तो उसके बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सारा किया कि फूड को डाइजेस्ट करना है. इनडाइजेशन जो होगी, इनडाइजेशन से क्या होगा? डिसऑर्डर्स, बहुत सी बीमारियाँ लगेंगी जैसे कॉन्स्टिपेशन या अल्सर वगैरह जिसमें आ जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ का रोल प्ले करता है या कहाँ पे रोल प्ले किया जाता है? लंग्स में. विंड पाइप प्रेजेंट होता है जो कि विंड पाइप को दो में डिवाइड किया जाता है लंग्स में एंटर होते ही. दो ट्यूब्स में जब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा उन दोनों ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहा जाएगा. ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा थाउजेंड ऑफ नर्विंग ट्यूब्स में जिसको हम ब्रोंक्योल्स कह देंगे और ब्रोंक्योल्स जो है फर्दर उसके लास्ट पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं जिसको एल्वियोलाई कहा जाएगा. पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मॉइस्ट होता है और ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करने के लिए भी ये ज़रूरी है. इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने पढ़ी थी, उसकी भी डिसऑर्डर्स थी. इसकी भी कुछ बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइट्स वगैरह. अस्थमा और ब्रोंकाइट्स वगैरह जो है ये पोल्यूशन वगैरह की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग से भी हो सकता है, इन सब चीज़ों से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं जैसे सांस की बीमारियां वगैरह थी. और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी इसका ज़रूरी है, हम इससे बच भी सकते हैं और इसका जो पेशेंट है इसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का हम उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट ओपन द पेज नंबर 2. द डाइजेस्टिव सिस्टम. Everything that we eat is changed into simple substances. जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं इन साइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ले जाते ही बिफोर वी कैन यूज़ इट. जब तक हम लोग इसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ नहीं कर लेते हम क्या करते हैं, उस फूड को बॉडी में लेके जाएंगे और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन. डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का जिम्मेदार है? ये फूड की ब्रेक डाउन करवाता है, उसको तोड़ता है फूड के पार्टिकल्स को, लार्ज एंड इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल, यानी ऐसे फूड के पार्टिकल जो कि हम ऐसे ही स्वॉलो नहीं कर सकते. वो एक तो स्टमक उन पर एक्शन नहीं करता क्योंकि वो इनसोल्यूबल होंगे. जो बड़े पार्ट्स होंगे फूड के या फूड के बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो तो इनसोल्यूबल होंगे. इसी वजह से छोटे पार्टिकल्स पे जो स्टमक में एंजाइम वगैरह प्रेजेंट है वो उस पर एक्शन करता है.
और दूसरा ये कि उसको फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स. पहले लार्ज मॉलिक्यूल्स थे और इनसोल्यूबल थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हम कर देते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, सो दैट दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम और बाद में उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस. इसमें कुछ प्रोसेस होता है, हम डायरेक्ट ही इसको लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम इसको करेंगे. फर्स्ट है डाइजेशन, सेकेंड है अब्जॉर्प्शन. फर्स्ट पे हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, सेकेंड पे अब उसको अब्जॉर्ब भी तो करना है ना, खाली डाइजेस्ट तो नहीं हमने उसको फूड को करना. डाइजेशन इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनकी ब्रेकडाउन की जाएगी किस में, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग माउथ. फर्स्ट पे जो डाइजेशन करवाई जाएगी उसका फर्स्ट पार्ट क्या आता है, माउथ. देन सेकेंड क्या पार्ट उसका आ जाएगा, स्टमक. थर्ड पार्ट उसका क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो प्रोसेस होगा. माउथ क्या रोल प्ले करता है, फूड हमने कोई सिलेक्ट किया है उस फूड को हमने जब लेना है तो माउथ डिटेक्ट करके बताएगा अगर तो वो हमारे लिए सूटेबल था, फूड फ्रेश था, सूटेबल था, तो हम लोग उसको चबाएंगे फूड को. सेकेंड वहाँ से जब फूड की ग्राइंडिंग हो जाएगी उसको भेजा जाएगा स्टमक में, स्टमक में जाके उसकी फर्दर मिक्सिंग होगी फूड की और बाद में उसको लास्ट वन स्मॉल इंटेस्टाइन में भिजवा दिया जाएगा. सेकेंड पार्ट है हमारे पास अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन क्या था, द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल थे जो यहाँ से पास आउट होके स्टमक से पास आउट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ गए थे, वहाँ पे वहाँ से उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भिजवा दिया जाएगा. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हॉलो ऑर्गन पर कंसिस्ट करता है. That are connected together to form a long tube inside the body called alimentary canal. जो long tube present होती है उसको alimentary canal कहा जाएगा. In addition, there are three associated organs to help in digestion. इसके अलावा यहाँ पर alimentary canal के साथ तीन मुख्तलिफ तरह के organs present होते हैं, associate किए होते हैं, जो कि further digestion में help करवाती हैं. Pancreas है, लीवर है और गॉल ब्लेडर है. ये तीनों क्या रोल प्ले करती हैं, फूड को फर्दर डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ. जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होगी. टीथ हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प. जो फूड हमने ली थी उसको ग्राइंड करेंगे. एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्स्ड विद स्लाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स. और जो फूड ग्राइंड किया हुआ था उस ग्राइंडेड फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा. और स्लाइवा कौन प्रोड्यूस करेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे. अब स्लाइवा क्या है, जो थूक वगैरह है उसको स्लाइवा कहा जाएगा. स्लाइवा हेल्प टू सॉफ्टन दी बॉडी दी फूड. स्लाइवा हेल्प करता है कि जो हमने फूड लिया था उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर दे. ऑल्सो इट स्टार्ट टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन दी फूड इनटू शुगर. अब जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट थी उसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, शुगर में. द टंग हेल्प द फूड टू मिक्स विद द स्लाइवा. टंग क्या करेगी, यहाँ पे फूड के अंदर स्लाइवा मिक्स करना शुरू कर देगी एंड पुशेस इट इनटू द गिलट और द इसोफेगस. इसोफेगस में और गिलट के थ्रू उसको पास आउट कर देगी, यानी के माउथ से बिहाइंड साइड में. फ्रॉम द गिलट द फूड पासिस टू द स्टमक. गिलट के थ्रू फूड कहाँ पर जाएगा, स्टमक में जाएगा. द मसल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स. वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मसल्स क्या करते हैं, स्क्वीज और रिलैक्स करते हैं, यानी कि फैलते भी हैं और सुकड़ते भी हैं. जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से कहीं पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, कहीं पे मसल्स जो हैं वो इस तरह से होंगे. ठीक है, स्क्वीज भी कर रहे हैं और वो रिलैक्स भी कर रहे हैं. मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड मेड इन द स्टमक वॉल.
यहाँ पे जो स्टमक के अंदर एसिड मौजूद था और गैस्ट्रिक जूस मौजूद था वो इस फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा. एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन. एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे गैस्ट्रिक जूस में जो कि हेल्प करवाएंगे प्रोटीन की डाइजेशन में. जो हमने फूड लिया था अगर उस फूड के अंदर प्रोटीन थी तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी. वाइल द एसिड हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड एंड एक्टिवेट एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन. इसके अलावा जो फूड में जर्म्स वगैरह थे वो उनको किल किया जाएगा. उनको किल कौन करेगा? हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है जो कि उन जर्म्स को किल कर देगा. एंड एक्टिवेट एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन. और जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेंगे. फॉर द स्टमक द फूड पासिस अ लिटल एट अ टाइम. स्टमक में फूड जो है कुछ देर के लिए रहेगी इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टाइटली फोल्डेड लॉन्ग नैरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फर्दर पार्ट्स हैं ड्यूडिनम और इलियम. ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट जो था वो इलियम था. इन ड्यूडिनम फूड इज मिक्सड विद पंक्रियाटिक जूस एंड बाइल. ड्यूडिनम में पंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होगा और बाइल एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि फूड को मिक्स करवाएंगे. हेयर मोर जूसेस मिक्स विद द फूड. इसके अलावा और भी जूसेस वगैरह लिक्विड प्रेजेंट होंगे जो कि फूड में मिक्स हो जाएंगे. पंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पंक्रियाज. पंक्रियाटिक जूस कहाँ पे होगा? पंक्रियाज में प्रेजेंट होगा. कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम विच कॉन्टिन्यू अ टू डाइजेस्ट द फूड. इसके अलावा पंक्रियाज में भी मिक्सचर प्रेजेंट होता है एंजाइम का जो कि फूड को फर्दर डाइजेस्ट करवाएगा. यानी उसके अंदर जो लिपिड्स या स्टार्च वगैरह थे उनको भी वो डाइजेस्ट करवा देगा प्रॉपर तौर पर. बाइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लीवर में प्रेजेंट होगा. और ये क्या करेगा? ब्रेक्सअप करेगा ऑयल ड्रॉपलेट्स की टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट. जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उनको तोड़ेगा ताकि जो फूड था उसको ईजीली डाइजेस्ट किया जा सके. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. जो डाइजेस्टेड फूड था उसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा थ्रू द वॉल ऑफ द इलियम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इलियम के थ्रू उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट था. इट हैज़ मिलियन ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं जिसको विलाय कहा जाता है. अ विलस इज अबाउट 1. नेक्स्ट पेज नंबर 3. A villus is about 1 millimeter long, जो कि small intestine में present होंगी. It has a surface layer only 1 cell thick. It allow digested food to pass through it easily. इसका क्या function है? जो food पहले से digest हो गया था, जो stomach से food आया था, अब वो easily यहाँ पे digest हो जाएगा. इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज. यहाँ पे नेटवर्क बोलेंगे जाल को. कैपलरीज का एक जाल प्रेजेंट होता है विच अब्जॉर्ब जो कि जज़ब करता है डाइजेस्टेड फूड को एंड कैरी इट टू द लीवर और उसके बाद उसको कहाँ पे भिजवा देता है? लीवर में. अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ तक लीवर में आ गया जो फूड डाइजेस्ट हुआ था. अब कुछ फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड था जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था. फूड पासिस इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो वाला फूड आएगा जो कि डाइजेस्टेड था. अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है. इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग विच मेक इट शॉर्टर बट थिकर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ कॉलन एंड रेक्टम. ये कॉलन और रेक्टम पर कंसिस्ट करेगी. द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसका फंक्शन क्या है? ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको स्टोर करेगी एज फेसिस इन द रेक्टम विच आर देन रिमूव थ्रो एनस और उसके बाद उसको रिमूव कर देगी. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 4. फूड एंड हेल्थ. Oh.
ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा ईट कर लिया जाता है और इसके अलावा एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की जाती, लैक का मतलब होता है ना करना या एब्सेंट होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फूड कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। इससे क्या होगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा जो कि ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। ओबेसिटी कहा जाता है मोटापे को। ईटिंग टू मच ऑफ अनहेल्दी फूड, इसके अलावा जो अनहेल्दी फूड लिया जाता है उससे भी ओबेसिटी होगी, सच एज फैटी चिकनाइयों वाली चीज़ें, शुगरी ज़्यादा मीठी चीज़ें एंड सॉल्टी फूड इज़ स्पेशली डेंजरस फॉर हेल्थ, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट इज़ डेंजरस बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अ फैटी सब्सटेंस दैट कैन स्टिक टू द वॉल ऑफ एन आर्टरी। अगर बहुत ज़्यादा फैट लिया जाएगा, चिकनाइयाँ बहुत ज़्यादा ली जाएंगी, तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वहाँ पे अंदर वॉल्स पे लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारी आर्टरी की वॉल्स को नर्विंग कर देती है, उसको बिल्कुल तंग कर देती है। एंड आर्टरी इज़ अ ब्लड वेजल, आर्टरी एक ब्लड वेजल है जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। The artery become narrow, so the flow of blood in it slow down. जब artery cholesterol की वजह से या fatty acids की वजह से, चिकनाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, blood बहुत कम flow करेगा उसमें, और the artery can become blocked, और artery बिल्कुल blocked हो जाएगी, बंद हो जाएगी, and thus stop the flow of blood in it. तो जो blood का flow है वो ख़त्म हो जाएगा या stop रुक जाएगा, जिसकी वजह से heart attack वगैरह जैसे disorders cause होती हैं। ईटिंग टू मच शुगर, अगर बहुत ज़्यादा शुगर ली जाए, कैन कॉज टूथ डिके एंड ओबेसिटी। एक तो ये ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगी, मोटापे की तरफ लेके जाएगी, दूसरा टूथ डिके, इनके दांत वगैरह ख़राब हो जाएंगे। ईटिंग टू मच सॉल्ट, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट लिया जाए, कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ये हाई कर देता है। अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज, इसमें दिल की बीमारियाँ आ जाती हैं एंड स्ट्रोक्स। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 5, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स कौन सी हैं, बीमारियां उससे कौन सी लगती हैं, एक है इंडाइजेशन और दूसरा है अल्सर्स। इंडाइजेशन मे बी कॉज्ड इफ टू मच गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे स्टमक में, और जब वो स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी फूड की इंडाइजेशन होगी। दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली, अगर एक पर्सन रेगुलरली नहीं प्रॉपर खाना ले रहा और ईट फूड टू क्विकली और बहुत स्पीड से वो खाना लेता जा रहा है, इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया। अगर बहुत ज़्यादा फूड लेना शुरू कर दी जाए या मिकदार से कम फूड लेना शुरू कर दिया जाए, तो वो हमें जो डिसऑर्डर कॉज करता है वो डायरिया है। इंडाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड आर टेकन टू ईज द पेन। जो इंडाइजेशन के लिए टैबलेट्स ली जाती हैं या लिक्विड कोई सिरप वगैरह लिया जाता है, वो पेन को कम कर सकता है। दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड, और जो एसिड वगैरह था उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ना वो ज़्यादा बेस होगा ना वो ज़्यादा एसिड होगा। नॉट ईटिंग इनफ रफेज कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। अगर हम रफेज वगैरह, यानी हम वेजिटेबल्स नहीं ले रहे या सैलड वगैरह नहीं ले रहे खाने में, तो वो कॉज क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स कैन हेल्प रिलाइव कॉन्स्टिपेशन, हम इससे बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से, अगर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ली जाए तो। एंड स्पेयर केसेस, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ये प्रोसेस, तो इसमें क्या मेडिसिन जो यूज़ की जाती है उसको लैक्सेटिव कहा जाता है, कैन बी गिवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्सर। अल्सर क्या होता है, स्टमक में छोटे छोटे जख्म हो जाना, सॉर और बहुत ज़्यादा पेन होना, और ये स्टमक में जो जख्म वगैरह होंगे उसको अल्सर कहा जाएगा। इफ़ एसिड, और ये होते किस वजह से हैं, इफ़ एसिड एंड एंजाइम ईट इनटू द स्टमक वॉल, द रिजल्ट इज अ स्टमक अल्सर।
दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है. पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, जिन्हें अल्सर वगैरह होता है वो स्पाइसी फूड से अवॉइड करते हैं, अवॉइड में मतलब परहेज करना. दे कैन बी गिवन मेडिसन, उन्हें मेडिसन दी जाती है टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, ताकि जो अल्सर के थ्रू जख्म हुए थे स्टमक में उनको रिकवर किया जा सके या रिपेयर किया जा सके. People with stomach ulcer are advised to include eggs. इसमें advice की जाती है कि eggs लिए जाएँ ज़्यादा and milk in their diet so that the lining of the stomach can be repaired. तो जो ulcer की वजह से stomach में ज़ख्म हुए थे वो हम repair कर सकते हैं ज़्यादा use करके eggs और milk. Next, move on the page number 6. The respiratory system. We use energy to walk, run, work and digest our food. हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए, काम करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. We use energy for everything that goes in the body. We obtain energy for all our activities by process called respiration. Respiration के process से हम ये energy जो है वो लेते हैं. Respiration is the process by which food molecules like glucose is broken down. Respiration के process में क्या होता है, जो food के molecules हैं उनको तोड़ा जाता है किस चीज़ में, glucose में, और ऑक्सीडाइज किया जाता है बॉडी में ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ कर सकें. यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों का प्रोसेस होगा, रिस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा. टू रिस्पायर द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. पहली जो ज़रूरत है हमारी बॉडी की उसमें ऑक्सीजन आ जाती है. ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन्ड, हमें कहाँ से हासिल होती है, फ्रॉम द एयर, हवा से, दैट यू ब्रेथ इन थ्रू योर माउथ एंड नोज. जब हम सांस लेते हैं तो हमें एयर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं. ब्रीथिंग, लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जो लंग्स हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गन हैं. दे एक्सपेंड एज यू ब्रीथ इन द कॉन्ट्रैक्ट एज यू ब्रीथ आउट. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो फैल जाते हैं, और जब हम सांस बाहर ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हमारे जो लंग्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. टू डिफरेंट मसल्स कंट्रोल योर लंग्स, हमारे लंग्स को दो तरह के मसल्स कंट्रोल करते हैं. बैंड्स ऑफ मसल्स बिटवीन रिब्स, जो रिब्स के दरमियान में पट्टी की तरह का स्ट्रक्चर होता है यानी कि वो बैंड बना होता है, वो उसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है. एंड अ मसल कॉल्ड डायाफ्राम, और उस मसल का जो सेकेंड नाम है वो डायाफ्राम है. द डायाफ्राम इज़ अ थिक शीट ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की वो एक मोटी सी शीट बनी होती है. इट सेपरेट द हार्ट एंड लंग्स फ्राम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन, ये हार्ट और लंग से सेपरेट होती है जो डायाफ्राम शीट है. When these muscles contract, the chest get bigger. जब muscles contract करते हैं तो chest ज़्यादा bigger हो जाती है. The ribs move up. Ribs हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. And out and diaphragm flatten. और diaphragm बिल्कुल flat हो जाएगा. That makes air rush in through mouth and nose when the muscle relax. और जब muscles relax होती हैं chest get smaller and air flow out अगेन, तो जो हवा थी वो दोबारा से आउट अगेन हो जाएगी यानी कि मूव कर जाती है. इनसाइड योर लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है या जो स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट है वो कैसा है. अ स्ट्रॉन्ग विंड पाइप कॉल्ड द ट्रेकिया, हमारा जो ट्रेकिया है वो उस एक स्ट्रॉन्ग विंड पाइप है, कैरी एयर डाउन फ्रॉम नोज एंड माउथ, जो कि एयर को कैरी करवाता है नोज से या माउथ से. द विंड पाइप डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, जो विंड पाइप है उसको दो ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है और उन ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई बोल देते हैं. द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द थाउजेंड ऑफ नर्वर ट्यूब्स, और ब्रोंकाई फर्दर जब डिवाइड होती हैं और फर्दर डिवीजन को हम ब्रोंक्योल्स बोल देते हैं.
ब्रोंक्योल्स के बिल्कुल लास्ट पे एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे ग्रेप लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एल्वियोलाई कहा जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 7। थ्रेडेड बिटवीन द ब्रोंक्योल्स इट्स अनदर सेट ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब शोन रेड ऑन द डायग्राम। नीचे डायग्राम में दिखाए हैं रेड कलर में जो थ्रेड धागे की तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। दीज आर आर्टरीज कैरिंग ब्लड टू द एल्वियोलाई। ये आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को पहुंचाती हैं एल्वियोलाई तक, क्योंकि एल्वियोलाई को भी ब्लड की ज़रूरत है ना, बॉडी के हर पार्ट्स को ज़रूरत है। एल्वियोलाई अब क्या है? ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। उसके इर्द गिर्द उसको घेरा हुआ है किस चीज़ ने? कैपिलरीज ने। द ब्लड अराइविंग एट द कैपिलरीज, जब ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है, इन द लंग्स इज शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। एल्वियोलाई हैव थिन मॉइस्ट वॉल्स। एल्वियोलाई क्या है? ये बिल्कुल बारीक सी थिन वॉल्स हैं इसकी, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू देम इजीली। थिन किस वजह से हैं? ताकि गैसेस जो हैं वो इजीली पास आउट हो सकें। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू गिव मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद द एयर। जब वो इसकी सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे? एयर के साथ ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। ऑक्सीजन मूव फ्राम द एयर, ऑक्सीजन एयर से मूव करेगी इन साइड द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर इन टू द ब्लड इन कैपिलरीज। ब्लड के थ्रू वो कैपिलरीज में आएंगी और कैपिलरीज जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द सराउंडिंग में प्रेजेंट थी वो एल्वियोलाई को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगी। इट मूव इजीली बाय डिफ्यूजन एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ब्लड टू द एयर। द स्वैपिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्वैपिंग मतलब जो इनका गैसेज का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है गैसेज का। गैसेज कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एक्सचेंज। तो इस तरह से हमारे लंग्स में या एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं, जबकि रेस्पिरेशन में अगर देखा जाए इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग जो था वो फिजिकल प्रोसेस था, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ब्रीथिंग में एनर्जी जो है वो रिलीज्ड नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर वाली साइड पे ये प्रोसेस होगा, और ये विद इन द सेल, सेल के अंदर वाली साइड पे प्रोसेस होगा। ब्रीथिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो प्रोसेस है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ब्रीथिंग का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि बाहर से हमने ऑक्सीजन रिसीव करनी है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल, ये सेल के अंदर ही प्रोसेस होगा। इन ब्रीथिंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे एंजाइम्स का कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ब्रीथिंग इज़ अ वॉलंट्री एक्शन, वॉलंट्री ऐसा प्रोसेस जो खुद बाखुद हो, जिसको हम खुद करवाते हैं, इनके सांस लेने का प्रोसेस। और इनवॉलंट्री में क्या होगा? जो हमारे अख्तियार में नहीं होगा, यानी जो प्रोसेस खुद बाखुद होगा, तो रेस्पिरेशन इज़ एन इनवॉलंट्री एक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 8। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं? स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर विच किल मिलियन ऑफ पीपल एवरी ईयर। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है और हर साल मिलियंस जो पीपल हैं वो मरते हैं। कैंसर, एम्फिसेमिया, एस्थमा और ब्रोंकाइट्स, ये सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर इज़ अ डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है इन विच द सेल स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली अनटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ये ऐसी बीमारी है जो कि रैपिडली बहुत जल्दी से फैलती है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लंग कैंसर कैन प्रोड्यूस अ ग्रोथ सो बिग दैट इट ब्लॉक अ ब्रोंकस। इसमें क्या किया जाता है? जो हमारी ब्रोंकस थी यानी ब्रोंकाई थी उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो डिसऑर्डर एम्फिसीमा. एम्फिसीमा में क्या होता है, इज अ लंग कंडीशन इन विच द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई बिकम थिन एंड वीक. जिसमें एल्वियोलाई की जो वॉल्स थी वो बहुत पतली हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं. दे इवेंचुअली ब्रेक डाउन लीविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसिस इन द लंग्स सो दैट ब्रीथिंग बिकम पेनफुल एंड डिफिकल्ट. तो जिस वजह से जो सांस लेने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. दिस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय हैवी स्मोकिंग. और ये किस वजह से होती है, हैवी स्मोकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा स्मोक करने की वजह से. नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास अस्थमा. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर में तो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए है, लेकिन उसमें तो और भी बहुत सी गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, स्मोक, धुआं, गाड़ियों का धुआं एंड पोलन्स. व्हेन द पार्टिकल ऑफ डस्ट के पार्टिकल, स्मोक और पोलन एंटर द लंग्स, जब हमारे फेफड़ों में ये दाखिल होते हैं, दे इरीटेट द मसल्स ऑफ द ब्रोंक्योल्स. तो ये हमारे ब्रोंक्योल्स के मसल्स को बहुत इरीटेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. ड्यू टू विच द ब्रोंक्योल बिकम नर्वर सो लेस एयर इज एबल टू एंटर द लंग्स. जब ब्रोंक्योल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें एयर जो थी लंग्स के अंदर बहुत कम एंटर होती है. दिस कॉजेज प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग एंड पीपल सुफर फॉर फ्रॉम अस्थमा. तो ये वजह बनती है किस चीज़ की, सांस लेने में मुश्किल होना और अस्थमा जैसी डिसऑर्डर्स में. अस्थमा इज़ आर डिजीज़, ऐसी बीमारी है कॉमनली फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, जो कि हर माशरे में पाई जाती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से. टू ओवरकम दिस कंडीशन पेशेंट आर गिवन ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर. जो पेशेंट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स के. एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज़ इन्हेलर्स यूज़ करते हैं मोर फ्रिक्वेंटली विच कंटेन मेडिसन्स दैट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल. और प्रिवेंट का मतलब होता है बचाओ, और बचते हैं किस चीज़ से, डस्ट के पार्टिकल से एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्राम इरीटेटिंग द ब्रोंक्योल. और इसके अलावा जो पोलन्स वगैरह थे या स्मोक वगैरह से बचते हैं, ताकि उनकी जो ब्रोंक्योल्स थी वो दोबारा से इरीटेट ना हों. लास्ट वन है हमारे पास ब्रोंकाइट्स. इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेजेस इन द लंग्स. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजश हो जाना. तो जो लंग्स हैं, जहाँ से हवा का गुजर होना था वहाँ पे सोजश हो जाती है. दिस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन. तो जो हमारे लंग्स हैं फिर वो बहुत कम, रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना, तो उसमें एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके. दिस डिज़ीज़ इज़ यूजुअली कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियाज की वजह से डिजीज़ हो सकती है, बट स्मोकिंग मेक्स दिस कंडीशन वर्स. लेकिन स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा ब्रोंकाइट्स की वजह बनती है. लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़. इससे हम बच किस तरह से सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का. डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी कॉज्ड बाई इनहेलिंग डिजीज जर्म्स, डस्ट, केमिकल फ्यूम्स एंड वेपर्स. ये स्मोक वगैरह जो है इनकी वजह से होती हैं डिजीजेज. द बेस्ट वे टू अवॉइड लंग इन्फेक्शन इज़ टू, लंग्स इन्फेक्शन से अवॉइड का जो बेस्ट वे है वो यहाँ पे हमें बताया है, मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस. अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन किया जाए, ईट नरिशिंग एंड बैलेंस्ड मील्स. और जो हमारे लिए बैलेंस्ड फूड है वो लिया जाए, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, ना बहुत ज़्यादा शुगरी फूड जो फूड है वो लिया जाए, बल्कि बैलेंस्ड लिया जाए, मतवाजन गज़ा ली जाए. अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस. और जो ज़्यादा हवादार जगह नहीं है उनसे अवॉइड किया जाए. इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसन्स दी जाती हैं, कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स टू क्योर सीवियर इन्फेक्शन. अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर्स जो हमें प्रिस्क्राइब्ड करते हैं वो एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को दी जाती हैं. नाउ स्टार्ट दी एक्सरसाइज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 11. फर्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट एमसीक्यू है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड. फूड की ब्रेकिंग डाउन की जाती है, फूड को तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, इसको क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नन ऑफ दीज. तो डाइजेशन था कि फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है.
सेकेंड है हमारे पास द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स टेक्स प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ह्यूमन्स में प्रेजेंट है वो एक लॉन्ग ट्यूब पर कंसिस्ट करता था. उस लॉन्ग ट्यूब को क्या कहा जाएगा? एक्सक्रेटरी कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी कैनाल, सर्कुलेटरी कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल थी जो कि एक लॉन्ग ट्यूब थी. थर्ड है हमारे पास एंजाइम्स इज अ इन द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट. एंजाइम गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट थे. ये किस चीज़ की डाइजेशन करवाएंगे? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज. प्रोटीन की डाइजेशन में वो एंजाइम्स हेल्प करवाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4. बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन दी. बाइल प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर या किडनी. तो लिवर में बाइल प्रोड्यूस हो रहा था. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड. डाइजेस्टेड फूड जो था वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में एब्जॉर्ब होता था. वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहला रही थी? ट्यूब्स, विलाए, कैपलरीज, वेन्स. तो विलाए. वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन दी. जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? कॉलन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी या स्टमक. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो स्टोर होगा. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड. फूड की ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन. तो रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द. जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बॉडी में वो किस जगह पे प्रोसेस हो रहा है? लंग्स में, किडनीज, स्टमक या इंटरलाइन. तो हमारे लंग्स में गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं. ये सारा प्रोसेस लंग्स में होगा. एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. अगर बहुत ज़्यादा डाइट ले ली जाए तो वो क्या डिजीज़ कॉज करती हैं? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, विटामिन्स या ग्लूकोज. तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज करती हैं. मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक एम्फिसीमिया आर कॉल्ड आर कॉज्ड बाय स्लीपिंग, ईटिंग, स्मोकिंग, रनिंग. किस वजह से एम्फिसीमिया जैसे डिसऑर्डर कॉज होती है? स्मोकिंग. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में ही राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. मुख्तलिफ पार्ट्स हमें बताए हैं और उनके नेक्स्ट हमने फंक्शन बताने हैं. जैसे ट्रेकिया. ट्रेकिया का क्या फंक्शन है? रिब केज था, इसका क्या फंक्शन है? इंटरकोस्टल मसल्स थे, इनका क्या फंक्शन है? और इसके अलावा एल्वियोलाई और डायफ्राम हैं. ट्रेकिया है एक्ट एज अ विंड पाइप. विंड पाइप के तौर पर काम करता है ट्रेकिया. सेकेंड है हमारे पास रिब केज. रिब केज का क्या काम है? ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को. नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स. इनका क्या फंक्शन है? कंट्रैक्ट. रिब्स मूव अपवर्ड. रिब जो हैं वो अपवर्ड मूव कर जाती हैं एंड रिलैक्स. रिब्स मूव डाउनवर्ड.
नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे है एल्वियोलाई. एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है? ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थी. लास्ट वन है हमारे पास डायफ्राम. डायफ्राम का क्या फंक्शन था? प्रोटेक्ट करता है लंग्स को. एंड हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और इसके अलावा लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास मैच सिम्टम्स टू डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 3 है मैच सिम्टम्स टू डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे डिजीजेस हमें बताई हैं, यानी बीमारियाँ बताई हैं और उनके सिम्टम्स बताए हैं. हमने मैच करने के करेक्ट उनके जो सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं. कैंसर, तो कैंसर में कौन से सिम्टम्स थे? सेल स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली अनटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल. सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है रैपिडली, जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल ये प्रोसेस होगा. सेकेंड है हमारे पास जो डिजीज़ है वो ब्रोंकाइट है. ब्रोंकाइट्स में क्या होता था? इन्फ्लेमेशन ऑफ देयर एयर पैसेज इन द लंग्स रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. यानी कि जो एबिलिटी थी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की वो बहुत कम हो जाती है ब्रोंकाइट्स के प्रोसेस में. लास्ट थर्ड डिजीज़ है हमारे पास एम्फिसीमिया. तो एम्फिसीमिया में क्या होता है? जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई की बिकम थिन, बहुत पतली हो जाती हैं एंड वीक, एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन लीविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन दी लंग्स. लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगहें बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि एम्फिसीमिया डिजीज़ में होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने हमें पार्ट्स बताए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. ग्लैंड्स और जो वो ग्लैंड्स आगे से जूस प्रोड्यूस करते हैं वो हमने खुद बताने हैं. माउथ, माउथ में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्लाइवा. सेकंड स्टमक है. यहां पे स्टमक में कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे? स्टमक वॉल और ये जूस कौन सा प्रोड्यूस करेगा? गैस्ट्रिक जूस. थर्ड हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पंक्रियास. पंक्रियास क्या था? इट्स ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड. और ये जूस कौन सा प्रोड्यूस करेगा? पंक्रियाटिक जूस. पंक्रियास है तो ये पंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट लिवर है. लिवर गॉल ब्लैडर के तौर पर इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे. और ये जूस कौन सा प्रोड्यूस करेगा? बाइल.
लास्ट वन है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, और ये जूस कौन सा प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर के अकॉर्डिंग हमने इम्पॉर्टेंस बतानी है सेंटेंस कंप्लीट करके। इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी, बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड। सेकेंड है, इट एब्जॉर्ब्स पॉइजनस वाटर, फ्रॉम फूड, फूड से पॉइजनस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज बींग डाइजेस्टेड इन गट, गट में इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। थर्ड है हमारे पास, इट अलो गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव, टू ग्रिप एंड मूव दी फूड अलोंग दी गट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इसके क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? Respiration is the process in which food molecules like glucose is broken down and oxidize ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। कहाँ पे? इन द बॉडी। टू रिलीज एनर्जी अगर इसका रिएक्शन देखा जाए, क्वेन इसकी देखी जाए, तो इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगी।
कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे हमने नोट लिखना है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। diseases of the respiratory system can be caused by inhaling disease germs dust chemicals फ्यूम्स यानी स्मोकिंग स्मोक वगैरह जो होती है एंड वेपर्स। नेम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सी हैं उनके नेम्स बताने हैं। लंग कैंसर, एम्फिसीमिया, और थर्ड है एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लंग। गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं लंग्स के अंदर। गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई have moist thin walls so that gases can pass
क्वेश्चन नंबर थ्री है, वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लंग्स? लंग्स में गैसेस जो हैं वो किस तरह से एक्सचेंज होती हैं? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस between the walls of alveoli की walls में and blood capillaries alveoli have moist thin walls so that gases can pass them easily. Alveoli की जो walls हैं वो moist होती हैं और thin होती हैं, जिस वजह से gases easily pass out हो जाती हैं. Next है हमारे पास question number 4. How can we prevent constipation? Constipation से किस तरह से बचा जा सकता है? Eating fresh fruits and vegetables can help relieve constipation in severe cases medicines called laxative can be given. Next हमारे पास question number 5 है, differentiate between breathing and respiration. Breathing और respiration में difference बताना है. Breathing कैसा process था? फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एक्सचेंज of oxygen and carbon dioxide second point hai hamare paas
एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग प्रोसेस में. लास्ट वन है हमारे पास वॉलंटरी एक्शन, यानी ऐसा प्रोसेस जो हमारे अपने अख्तियार में है वॉलंटरी एक्शन कहलाएगा. देन रेस्पिरेशन, फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ केमिकल प्रोसेस. Involving oxidation of glucose, जिसमें oxidation की जाएगी glucose की, of carbon dioxide and water energy. रिलीज्ड एनर्जी यहाँ पे रिलीज की जाएगी इस प्रोसेस में. और लास्ट वन है इनवॉलंटरी एक्शंस, रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे अपने अख्तियार में नहीं, इसको इनवॉलंटरी एक्शन बोल दिया जाएगा. नाउ आवर यूनिट नंबर वन, human organ system, is completed. I hope you will understand. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.